पूरा झारखंड इतना सुंदर बनता है, इतना सुंदर बनता है जैसे कोई हिसाब जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद हमारे गेल बात नहीं हो, वो हमें की जयंत सिन्हा थोड़ी ही हो कि तो है हमारे सामने नारा लगे हमें इंप्रेस रही वो जो भाई धर्म सिंह ने कहा था कहे कि एक नजर खेत में रखो रे, अगर खेत में नजर नहीं रखोगे फसल खराब हो जाएगा और सदन में नजर नहीं रखोगे आने वाला नस्ल खराब हो जाएगा। सपनों को साकार करने का ये वक्त है। 23 सालों में झारखंड की माटी में जितना अत्याचार हुआ है, जितना जुल्म हुआ है, उसका पाई पाई हिस्सा मिला है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश के पास में प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के फिक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वे कहा करते थे कि अरे ओ किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान में। क्या कहते थे कि अरे ओ किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। हम लोग गोला पेट्रोल का आदमी खेत में तो नजर रखता है लेकिन लाल किला का मचान में नजर नहीं रखता है। इसीलिए कभी इधर जयंत सिन्हा उधर रविंद्र पांडे सांसद बनता है जिसका झारखंड में बाप ने जितना जमीन नहीं मिली। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कहे कि एक नजर खेत में रखो रे, अगर खेत में नजर नहीं रखोगे फसल खराब हो जाएगा और सदन में नजर नहीं रखोगे आने वाला नस्ल खराब हो जाएगा। इसलिए आज बोला रामबा कटवा कसनार के जितने भी अभिभावक जब भी हमारे माँ मौसी का कीजिए कि हमारे दादा हमारे पासा सब के लाइन कहवा कि तो रे बा बेटा अगर खेत में नजर रख लो तो दूसरा बेटा टाइगर खड़ा है हमें लाल किला के मकान हमारे पास लाल किला का मकान हमारे खातिर हम भी तैयार ही है, बस वही मौका दिए देरी हो। एक बार मौका दे के देखा जे 50,000 जयंत सिंह ना कमाई लाता लाओ कोई 50,000 करोड़ और कम से कम 500 योजना जमीन में रहता जब तक पूरा झारखंड इतना सुंदर बनता है, इतना सुंदर बनता है जब तक कोई हिसाब जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद हमारे गेल बात नहीं हो, वो हमें की जयंत सिन्हा थोड़ी ही हो कि तो है हमारे सामने नारा लगे हमें इंप्रेस रही वो हम तो गर्लफ्रेंड ही हो कि इंप्रेस रही वो हमारा इंप्रेस करना हो हमारे गैर हाजिरी में हमें जब नाल हो टाइगर बनियो सामने जीएम रहे चाहे वीडियो रहे चाहे सीओ रहे अगर गलत है तो विरोध करियो हम इंप्रेस रहे वो नारा लगे ले हम इंप्रेस में आवर है चंगा साहब कभी हमें इंप्रेस रहे खो जा नारा लगे ले हम इंप्रेस ना हो हमरा अगर इंप्रेस ही करना हो जब हम ना रहो और कोई फैक्ट्री में कोई कंपनी में वीडियो के ऑफिस में कोई अगर लड़ाई लड़कर तो हमारे गैर हाजिरी लोग का बाप बाप कर हम इंप्रेस में ठीक है। तो आज क्योंकि हम थोड़ा अभी आप खराब आओ अभी भले हम पूरा बोल रहा हो क्योंकि हमें जब भी बोले तो अंदर में वो बहुत बड़ा कुछ छुपा लो जब पगला ही जाता हो लेकिन बच्चा बोल के घर में जाकर माथा दर्द शरीर पर दर्द दिए लगो कभी डॉक्टर मना करने लो कि कम से कम 6 महीना बोलना ही ना हो हम पहले कहा 6 महीना चुप रह तो झारखंड चुपचाप भाई तो डॉक्टर के बकवास ना माइंड के जबकि सभी जाना है कि दो आदमी बात लोग हमेशा माने वकील के वो डॉक्टर के
खैर देखिए अभी तो राजे कहां की चीज तो कोई ना जाना, लेकिन बताओ डॉक्टर के बात ना सुन के आज पब्लिक बीच इतना ठंडा में इतना झाड़ में कनकनाए राजे काट रहा है ओकिल का दवाइया खुश के चला है। साहब हफ्ते हमने के सपना है कि जय सपना हमने के वीर सब देख ले है उस सपना के साकार करना है तो केवल सड़क में ना सदन में भी जाए के अपना आवाज के रखना चाहिए। आज जितना भी नौजवान अभिभावक भैया मसिया के होने से आगे रहता है कि 2024 के चुनाव में सबसे पहले लोकसभा का है और जब भी जयंत सिन्हा है तो मैं एक सवाल करिए कि 50,000 करोड़ सुनने में आया है उसका हिसाब दीजिए कहाँ से कमाए। अरे नहीं आता तो वोट यहाँ से कैसे चला जाता है, रामगढ़ से लीड करता है। तो शहर असलिए याद रखिए अभी फिलहाल हुए वो सांसद की याद रखिया पूरा झारखंड में जितना सांसद अकोन सुनील महतो से होना चाहिए छाती में गोली फैलो और मैया आज भी टूसू पर्व के बाद चंगा बचा और लोग जाए ध्यान रखते हैं। हालांकि थोड़ा शर्म लगा है दुख भी गवा है और एक तरफ एक गो सांसद हो जाकर 50,000 करोड़ 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ और कम से कम 150, 200, 1,500, 2,000 हाई वॉट। इसलिए आज इस बात को दोहराएंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में यदि बदलाव लाना है तो पहले हमें एक बार कानूनी दृष्टिकोण से जहां नियम कानून बनता है, नियम कानून बनने से पहले चर्चा परिचर्चा होता है वहां हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी झारखंड के पास दो ही वो काम बचा है, या तो कानून बनाओ या तो टंगा फजाओ। नहीं मुझे पर लगी या तो कानून बनाओ, कानून बनाओ यानी पढ़ लिख के जो कानून बनवाओ वहां जगह बनाओ जहां से नियम बनो हो, जहां से नियम बन लो भारत मान लो प्रोजेक्ट, जहां से नियम बन लो स्विट्जरलैंड के वहां अपन आदमी पहुंचाओ। सके बोलियो या तो कानून बनाओ या तो टांगा बचाओ टांगा बजाओ और जे तोर बाप के जमीन में नजर गए तो अपना मिट्टी में मिलाओ। कोई दूसरा चारा ना हो तो से एक बार पूछा कर पाएगा लोग कि उपजाऊ जमीन है इस जमीन का रेट क्या होना चाहिए। एक मीटिंग तक बुलाना आवश्यक नहीं समझ लो कहे कि तो लीडर कमजोर हो। जिस दिन तुम लीडर मजबूत बनते तो अधिकार के मजबूती के साथ रखो और ये भले और रामगढ़ के जो बोलो सांसद भी डी गए मांडू के लगभग 500 महिला मैयन मुसियन रोंगटा कंपनी के खिलाफ पैदल यात्रा कर ले रांची तक, पैदले रांची गए रामगढ़ से कि रोंगटा फैक्ट्री में प्रदूषण निकले का बंद का और हमी के माननीय सीपी सी रोंगटा के लतिया के क्या किया हो। यह सब लीडर अरे और घरवा में तो कभी प्रदूषण नहीं डुबतो कह के तो नहीं हजारों करोड़ की संपत्ति बनवा ली अपन किधर बुतरु के एसी में रखो है हवा पानी सब फिल्टर करके दे है। लेकिन आज हमने के इन कंपनी फैक्ट्री कोयला के खदान के चलते मृत्यु दर भी बढ़ गया है, आज हमने मरे के संभावना बढ़ गया है कहे हमारे लीडर ने दम रखा। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा के गोला गांव गोला प्रखंड के इस गांव से जितने भी लोग इस कड़कड़ा की ठंड में यहां पर आए हैं हमें सुन रहे हैं मैं उनसे अपील निवेदन करूंगा कि 2024 में आप हमें देश की राजधानी में मौका दीजिए, आपका जमीन आपका जंगल आपका खतियान उसे सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारा है।
यदि गोली चले या लाठी चले हमारा संसद डरपोक नहीं होगा जब पीछे खड़ा होगा, हमारा संसद डरपोक नहीं होगा जब पीछे खड़ा होगा, हमारा संसद सुनील महतो के जैसा होगा, गोलियों की गड़गड़ाहट जितनी तेज होगी छाती उतना मजबूत करेगा।